डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बकेट सॉर्ट, और इस वीडियो में हम लोग बकेट सॉर्ट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, इवन आपके इंटरव्यूज के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिए तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बकेट सॉर्ट। सबसे पहला पॉइंट आपको बता दूं कि ये भी नॉन कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम में आता है, मतलब जैसा कि हमने रेडिक सॉर्ट में डिस्कस किया था, काउंटिंग सॉर्ट में डिस्कस किया था, ऐसे ही हमारा तीसरा जो कि बकेट सॉर्ट है, ये भी नॉन कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम में आता है। मतलब जो कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट्स ही होते हैं, हम उनको आपस में कंपेयर करके फाइनलाइज करते हैं कि उनको सॉर्ट कैसे करना है। जैसे क्विक सॉर्ट किया था, मर्ज सॉर्ट किया था, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, वो सारे कंपैरिजन बेस्ड। लेकिन रेडिक सॉर्ट, इसके अलावा आपका काउंटिंग सॉर्ट, और तीसरा आ गया बकेट सॉर्ट, तो ये भी नॉन कंपैरिजन। दूसरा, वर्क ऑन द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन रेंज 0.0 टू 1.0, ये भी कंस्ट्रेंट आ गया इसके अंदर कि बकेट सॉर्ट हम कब अप्लाई करते हैं। पहले तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के ऊपर, मतलब यहां पे नंबर जो है वो डॉट वाले, मतलब रेडिक्स वाले नंबर जो है वो आप ऐड होंगे, और दूसरा जो रेंज आपको यहां पे डिफाइंड होगी। तो ये सेम काउंटिंग सॉर्ट हो गया, जैसे काउंटिंग सॉर्ट में भी हमें रेंज डिफाइंड होती है, ऐसे ही यहां पे भी रेंज जो है वो डिफाइंड होगी, बट काम बहुत अच्छे तरीके से करता है, ये भी फास्ट है। तो इनपुट शुड बी यूनिफॉर्मली एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 0 एंड 1 टू गेट अ रनिंग टाइम ऑफ ऑर्डर ऑफ n। अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की ऑर्डर ऑफ एन चाहिए, बेस्ट केस में या एवरेज केस में ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम ही लेता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे अगेन एक पॉइंट है कि जो मेरी इनपुट्स है, जो एरे के अंदर डेटा लिया हुआ है, वो यूनिफॉर्मली प्रॉपर वे से यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। नहीं समझ में आया ना, अभी आपको समझ में आएगा जब आपके सामने एग्जाम्पल आएगा। तो ये देख लो जी, एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास ये एक एरे दिया हुआ है, उस एरे में यहाँ पे आपको एलिमेंट दिख रहे हैं, और मेरे हिसाब से आप पता लगा पा रहे हो कि ये सारे एलिमेंट 0 और 1 की रेंज में है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है और 0 और 1 की रेंज में है। दूसरा यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि ये जो मैंने बकेट यहाँ पे ली है, मतलब बकेट सॉर्ट है, तो बकेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने इस तरीके से, जैसे हम हैशिंग के अंदर बकेट्स लेते हैं ना, ऐसे ही हमने यहाँ पे जो है वो कुछ बकेट जो है वो ले लिए। नॉर्मली हम 10 बकेट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 0 से लेके 1 के बीच में नंबर जो है वो इस तरीके से लाई कर रहे हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से हमने यहां पे 10 बकेट्स ले लिए, उनको नंबरिंग जो है वो यहां पे दे दिए। देन पहला पॉइंट आया, पहला वैल्यू आया 0.79। अब 0.79 को अगर मुझे इंसर्ट करना है तो कैसे इंसर्ट करेंगे, आपको सिंपल सा चीज देखनी है कि डॉट के बाद पहला नंबर कौन सा है, मतलब ये रहा आपका डॉट, तो ये डॉट के बाद, डॉट कह लो, रेडिक्स कह लो, इसके बाद पहला नंबर कौन सा है आपका, 7। तो यानी ये किस पॉइंट पे जाएगा, ये आपका 7 में, इस तरीके से आप लिस्ट बना के 7 में ये 0.79 डाल दोगे, बहुत सिंपल है, 0.79 आपका इस जगह पे आ गया। अब आपको साथ ही साथ में बकेट सॉर्ट का जो कोड है, सूडो कोड है, वो भी यहां पे समझा देता हूं। तो ये देख लो, बकेट सॉर्ट ए हमें एरे दिया हुआ है, ये देख लो जी, एरे हमें ए दिया हुआ है। अब लेट बी 0 to n-1 बी अ न्यू एरे, मतलब यहां पे एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग ले रहे हैं, एक्स्ट्रा बकेट्स हम लोग ले रहे हैं 0 से लेके n-1 तक, ये हमने यहां पे नंबर भी जो है वो दे दिए। n की वैल्यू क्या है, जो लेंथ है, तो जैसे यहां पे लेंथ जो है वो 10 है, तो यहां पे n की वैल्यू क्या होगी, 10, तो 0 से लेके 9 तक का एरे ले लिया, यस 0 से लेके 9 तक का एरे ले लिया। ये कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंटरव्यूज वगैरह में इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। देन फॉर i इज इक्वल टू 0 to n-1 मेक b ऑफ i एन एम्प्टी लिस्ट, तो स्टार्टिंग में मेरा 0 से लेके 9 तक ये क्या है, एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है जी। अब फॉर i इज इक्वल टू 1 to n, यहां से कहानी मेन स्टार्ट होती है, मतलब ये जो मेरे नंबर्स है, मतलब ये आपका एक तरह से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से मेरे पास 10 नंबर है। फॉर i इज इक्वल टू 1, मतलब पहले नंबर से स्टार्ट किया, इंसर्ट a ऑफ i इनटू लिस्ट b, a ऑफ i मतलब इस नंबर को इस लिस्ट में डालो, b ऑफ लिस्ट में डालो, लेकिन डालना कैसे है, a ऑफ i को n से मल्टीप्लाई करके। देखो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, a ऑफ i क्या है, 0.79, n की वैल्यू क्या है, 10, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया, 7.9 आ गया, उसकी हमने क्या ले ली, लोअर वैल्यू ले ली,
क्या ले ली, फ्लोर वैल्यू ले ली। तो इसकी अगर आप फ्लोर वैल्यू लोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 7 आएगी। और ये क्या कह रहा है, इंसर्ट ए ऑफ आई इनटू लिस्ट बी ऑफ, ये वैल्यू एक तरह से हमने 7 निकाल ली, तो बी ऑफ 7 क्या है, ये है। तो ये देख लो जी 0.79 मैंने कहां पे डाला था, इसी जगह पे डाला था। तो एल्गोरिदम कैसे काम करता है ये भी पता होना चाहिए। जनरली स्टूडेंट ना क्रैम करने की कोशिश करते हैं कि रट्टा मार लिया ऐसे वर्क करता है, नहीं गाइज। अगर आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, अच्छे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको सारे पॉइंट्स, सारे स्टेप्स जो है वो पता होने चाहिए कि कैसे काम करते हैं। तो ये स्टेप आपको पता लग गया, ऐसे ही फॉर आई इक्वल टू 1 2 n ये वाला काम कर रहा है। फिर आई की वैल्यू 2 पे, जब आई की वैल्यू 2 आई तो 0.13 फिर भाई 0.13 * 10 करोगे तो ये 1.3 आएगा। मतलब इसकी फ्लोर वैल्यू अगर आप लोगे, नीचे वाली वैल्यू लोगे तो ये 1 आ जाएगी। तो यानी 0.13 आप यहां पे डाल दो, ठीक है जी। बस अब आई थिंक आपको समझ में आ गया, अब आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। 0.64 यहां पे आ गया, ठीक है जी। देन हमारा 0.39 यहां पे आ गया जी। देन 0.20 यहां पे आ गया, ठीक है। देन 0.89 मेरा यहां पे आ गया, ठीक है। देन 0.53 मेरा यहां पे आ गया, उसके बाद 0.42 मेरा यहां पे आ गया। ये एक तरीके से हमारे पास लिस्ट बनती जा रही है। और 0.06 जो है वो मेरा यहां पे आ गया। मतलब मैं आपको सारे एलिमेंट्स इसीलिए डाल के दिखा रहा हूं ताकि आपको लास्ट में एक पॉइंट बता सकूं। ये देख लो, ये सारे एलिमेंट आ गए। अब देख लो पहला पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है कि देखो हर एक एलिमेंट जो है वो प्रॉपरली अपनी अपनी जगह पे पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि एक ही बकेट के अंदर ज्यादा एलिमेंट्स आ गए, ठीक है ना। तो ये है आपका बेस्ट केस या एवरेज केस। अगर आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप चेक करो तो क्या आएगी, देखो ये साइज जो है वो क्या है, एन। तो आपने एन तक ये एलिमेंट्स को ट्रवर्स किया, एक एक करके आप उठाते जा रहे हो, तो n टाइम्स आपको ये चलाना पड़ेगा। अब हर एक एलिमेंट को इंसर्ट करने में कितना टाइम लगा, लो जी हर एक एलिमेंट को इंसर्ट करने में, ये कैलकुलेशन करने में आपको ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा। सिंपल कैलकुलेट ही तो करना, मल्टीप्लाई करके फ्लोर वैल्यू, तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा। लेकिन ये ऑर्डर ऑफ 1 टाइम आपको कितनी बार लग रहा है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक लग रहा है, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n हो गई, ठीक है ना। तो बेस्ट केस एवरेज केस कौन सा होता है, जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एलिमेंट्स, ऐसा नहीं कि एक ही जगह में सारे घुस गए, वो केस आपको नेक्स्ट बताऊंगा। तो ये जो है वो एवरेज केस या बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ n और कैसी आई। आई होप कि आपको सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। देन For i is equal to 0 to n minus 1, मतलब अब हम यहां पे आ रहे हैं, for i is equal to 0 to n minus 1, sort list b of i with insertion sort। यहां पे आपके पास हर एक बकेट में एक एक एलिमेंट है, तो आपको कुछ भी इंटरनली इसके अंदर सॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो यानी ये स्टेप इसमें काम ही नहीं करेगा, और सीधा लास्ट स्टेप पे जाओ, कंकैटिनेट द लिस्ट। कंकैटिनेट द लिस्ट मतलब कि सबसे पहले वैल्यू को उठा लो, देन दूसरी वैल्यू को उठा लो, देन तीसरी वैल्यू को उठा लो। ये देख लो जी सॉर्ट होता जा रहा है, उसके बाद 0.39 आ गया, 0.42 आ गया, 0.53 आ गया। इस तरीके से सारी लिस्ट को एक एक करके उठा लो, एलिमेंट्स आपके सॉर्ट हो गए ऑर्डर ऑफ एन टाइम में, क्लियर। ये पॉइंट जो है वो इतना ही है, ये एवरेज या बेस्ट केस। फाइनली आपका आ गया वर्स्ट केस। वर्स्ट केस मतलब कि इफ द एलिमेंट्स आर लाइक दिस, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो देख लो जी 0.79 अगर आएगा, तो आई होप कि सबको पता है कि 0.79 यहां पे जाएगा। देन 0.78 आएगा, तो वो भी कहां पे आएगा, इसी जगह पे। तो यहां से एक लिस्ट मैं इस तरीके से बनाऊंगा, बना दिया। अब देख लो जी 0.78 यहां पे इंसर्ट कर सकता हूं, नहीं ये गड़बड़ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 0.79 बड़ा है वो इधर है। तो हमें यहां पे क्या लगाना है, ये आपका पॉइंट आ गया यहां पे, ये जो 8th स्टेप है, फॉर आई इज इक्वल टू 0 to n minus 1, सॉर्ट द बी ओ फाइव विद द इंसर्शन सॉर्ट। मतलब आपको यहां पे इंसर्शन सॉर्ट इंटरनली लगानी पड़ेगी। तो ये आपका इंसर्शन सॉर्ट भाई, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे हम ताश के पत्ते खेलते हैं, पहला पत्ता उठाया लगा लिया, दूसरा पत्ता उठाया, अगर वो पत्ता छोटा है तो हम लोग लेफ्ट में लगाते हैं, अगर बड़ा है तो राइट में लगाते हैं, वही चीज यहां पे है। तो 7-8 यहां पे आ जाएगा, 7-9 आपका यहां पे आ जाएगा, तो इंसर्शन सॉर्ट यहां पे लगेगी। देन 0.79 यहां पे आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद 5 है तो ऑब्वियसली बड़ा है। 0.74 को इसके साथ कंपेयर करोगे, लेफ्ट में, इसके साथ लेफ्ट में, इसके साथ लेफ्ट में, मतलब सबसे पहले आपका एक तरह से इसको मैं
रब कर दूं तो 0.74, उसके बाद आपका 0.78, उसके बाद आपका 0.79 और उसके बाद आपका 0.795। तो यानी इंटरनली आपने क्या लगाया, इंसर्शन सॉर्ट। और इंसर्शन सॉर्ट जो है वो कितना टाइम लेगा, अगर एलिमेंट सारे इस जगह पे आते गए तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम आपका इंसर्शन सॉर्ट लेगा। और कितने एलिमेंट्स है, एन एलिमेंट्स है, तो यानी आपका वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तक जा सकती है। ठीक है जी, तो सारे पॉइंट्स जो है वो बकेट सॉर्ट के यहां पे आपके क्लियर हो गए। थैंक यू।